भारत में त्योहारों का अलग ही महत्व है। ये घरों में रौनक के साथ साथ बाजार में लाखों लोगों के लिए रोजी रोटी का मौका लेकर आते हैं। हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का त्योहार इस बार कोरोना संकट के साए में है। इसके लिए हफ्तों पहले से तैयारियां करने वाले मूर्तिकार और कारोबारी सभी मायूस हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ बदला हुआ है। मूर्तियों को बनाने और बेचने वालों के काम ठप हैं और बाजार की रौनक गायब। पहले ऐसा था कि ये जो मूर्ति थी पहले हमारी 1 फुट से लेकर 10 फुट तक की बिकती थी, तो अब ये 1 फुट 6 इंच की मूर्ति है, 1 फुट की है, 1.5 फुट की है, इससे बड़ी मूर्ति नहीं बिकती। और इस टाइम बाजार बिल्कुल जीरो है, कोई ग्राहक नहीं है बाजार में। और अपना भगवान जी के लिए सब कुछ ज्यादा से ज्यादा इसमें खर्चा करते हैं, भगवान जी का रिद्धि सिद्धि गणपति जी के लिए, और जो भी है अपना अच्छे से अच्छे आइटम डेकोरेशन करते हैं। इस बार कोरोना कोविड इसके हिसाब से इस बार मार्केट ठंडा है, हमारा होलसेल भी मार्केट ठंडा है और रिटेल भी मार्केट ठंडा है। जितना सामान होना है उसके हिसाब से कस्टमर आके लेके जाते हैं। मेरा मूर्ति जैसे 40-45 तो ऑर्डर रहता है, इस साल तो नहीं है, ठीक है, उस हिसाब से 3-4 ऑर्डर है अभी तक आए हैं। ये क्या कोरोना की वजह से हुआ है? हाँ जी जी जी, एकदम कोरोना की वजह से ही, जैसे बड़े पूजा क्या पुलिस परमिशन ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हम लोग। कोरोना के चलते देश के कई हिस्सों में सामूहिक आयोजन करने पर रोक है, लिहाजा लोग इस बार घरों में ही मूर्तियां रख रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी मूर्तियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मैं तो सिर्फ मिट्टी की ले रहा हूँ, घर के लिए चाहिए पर बस छोटी, कि अपना घर में विसर्जन हो टब वगैरह के अंदर। बाहर का कोई लॉकडाउन का सीन था, अब तो कोरोना चल रहा है, चक्कर में बाहर जा नहीं सकते, इस चक्कर में घर ही घर का अपना कर रहे हैं प्रोग्राम। ये कोरोना वायरस के लिए सबका मन खराब है बोल के हम लोग पूजा एकदम छोटा कर रहे हैं, जो नहीं करने से नहीं चलता है, क्योंकि कोरोना वायरस को जो है ये संक्रमण जाने के लिए भगवान ही सकेंगे इसका संक्रमण रोक करने के लिए, इसलिए भगवान को बुलाना, भगवान को पूजा करना जरूरी है। इस बार तो हालत बहुत खराब ही है, लेकिन उसमें भी पूजा तो करना ही पड़ेगा, भगवान के ऊपर सब छोड़ दिए। हैदराबाद के खीरताबाद को देश में सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा रखने वाले शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन यहाँ भी इस साल सिर्फ 9 फुट की मूर्ति ही रखी जाएगी। यहाँ 1954 में 1 फुट की मूर्ति से की गई शुरुआत हर साल 1 फुट बढ़ते बढ़ते बीते साल 65 फुट तक पहुँच गई थी। किसी के पास पैसा नहीं, सब धंधे दुकान सब खत्म हो गए, ये भगवान धनवंतरी इस साल जल्दी खत्म होना बोल के उद्देश्य ये करना, धनवंतरी गणेश को बनाए हैं। ये 22 तारीख के दिन हम गवर्नर जी को भी। कोरोना का संकट, मंदा पड़ा बाजार और श्रद्धालुओं में बैठा डर, इन सबका असर सीधे सीधे उन मूर्तिकारों और दुकानदारों पर पड़ा है जिनके घरों के चूल्हे इन प्रतिमाओं के भरोसे जलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।